वेलकम फ्रेंड्स टू बॉन्ग पंजाबीज एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। होली हो और गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो चलिए बनाते हैं कुछ स्पेशल गुजिया। रेसिपी देखने से पहले एक बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए, इससे मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। चलिए अब गुजिया के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो आपके सामने हैं। ये गुजिया मैंने बनाई है बर्फ़ी से, आप खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है एक नारियल घिसा हुआ, आधा किलो बर्फ़ी, कुछ चॉप ड्राई फ्रूट्स और एक कप फुल फैट मिल्क। इसमें मैंने थोड़ी सी मलाई भी मिक्स करी है। मैंने यहाँ यूज़ किया है आधा कप चीनी। सबसे पहले आप 2 चम्मच घी डालिए कढ़ाई में, और थोड़ा सा घी गर्म होने के बाद इसमें हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। इससे ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर और निखर के सामने आता है। देखिए इसको थोड़ी देर ही रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। 1-2 मिनट में ये इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी और हम इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। अब ये देखिए ये रेडी हो गए हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स। अब इसी कढ़ाई में हम जो हमारा नारियल है जो हमने घिसा हुआ था उसको रोस्ट कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप फुल फैट मिल्क, और इसमें मैंने करीबन आधा कप मलाई का भी यूज़ किया है। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। अभी जो ये मिक्सचर है नारियल और दूध का, इसको हमें उबलने देना है 3 से 4 मिनट या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं उबालना, मीडियम फ्लेम पे उबालना है। और देखिए 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें आधा कप चीनी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ बर्फ़ी का यूज़ किया है इसलिए आधा कप चीनी ही ऐड किया है। अगर आप खोया डालेंगे तो चीनी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा अपने स्वाद के अनुसार। ये देखिए ये हमारा मिक्सचर ड्राई हो गया है ऑलमोस्ट। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे जो हमारी बर्फ़ी या खोया है वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। आप खोया डालेंगे तो ध्यान रखिएगा चीनी थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। मैंने बर्फ़ी का यूज़ किया है तो मैंने चीनी थोड़ा कम डाला है। अब देखिए ये हमने बर्फ़ी इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, मीडियम फ्लेम पे चलाना है, हाई फ्लेम नहीं करना है बिल्कुल भी। मीडियम फ्लेम पे इसको मिक्सचर को हमें फ्राई करना है। देखिए ये थोड़ा सा पिघल गया है, बर्फ़ी सारा मिक्स हो गया है। इसको हमें फ्राई करना है जब तक ये मिक्सचर अच्छी तरह से रेडी नहीं हो जाता है। ये देखिए अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल चुके हैं, और इसमें लगेगा थोड़ा टाइम, आपको इसको हिलाते रहना है कंटिन्यूस, नहीं तो ये जलने का चांस रहता है। देखिए करीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं इस मिक्सचर को रेडी होने में। ये आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अब ज़्यादा स्टिकी नहीं रहेगा, इस तरीके से इस एक साथ इकट्ठा होने लगेगा। इसका मतलब है कि हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब आप फ्लेम बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अब हम लेंगे आटा बनाने के लिए 4 कप मैदा। आप थोड़ा कम क्वांटिटी भी ले सकते हैं अगर आप कम गुजिया बनाना चाहते हैं। मुझे तो 2 बच्चों के लिए बनाना था तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है। अब इसमें हमने ऐड किया है 5 बड़े चम्मच घी के मोइन के लिए। मोइन अच्छी तरह से देना है इसमें, नहीं तो क्रिस्पी गुजिया नहीं बनेगी। तो 5 बड़े चम्मच मैंने इसमें घी का यूज़ किया है। देखिए अब घी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आटे में। देखिए मोइन को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है आटे में, और जैसे ये मिक्स हो जाए आप देखेंगे इसको आप क्रम्बल करेंगे तो एक इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आपका मोइन बिल्कुल सही क्वांटिटी में डला है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब मोइन मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के एक हार्ड आटा हमें तैयार करना है, सख्त आटा तैयार करना है। तो पानी बहुत कम यूज़ करना है इसमें, एक साथ पानी नहीं डालना है। ये देखिए इस तरीके से काफ़ी हार्ड आटा गूंदना है हमें इसके लिए। देखिए हमारा आटा तैयार हो गया है गूंद के। अब इसको हम रेस्ट करने देंगे करीबन 10 से 15 मिनट तक मिनिमम हमें इसे ढक के रेस्ट करने देना है। ये देखिए इस तरीके से हार्ड आटा हमें गूंद लेना है। 10 से 15 मिनट के बाद हम आटे को एक बार फिर से थोड़ा सा गूंद लेंगे और उसको स्मूदन आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारा आटा रेडी हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े लेंगे और उसको पूड़ी की शेप में रोल कर लेंगे, बेल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें पूड़ी की शेप में गोल गोल इसको बेल लेना है।
ये देखिए हमारा जो ये पूड़ी की शेप में हमें रोल करना था वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रखना है इस तरीके से। ये हमारा रेडी हो गया है। अब हमें जो गुजिया का मोल्ड है उस पर थोड़ा सा ग्रीसिंग करनी है, थोड़ा तेल लगा के। ये मोल्ड बहुत ही पुराना है, करीबन 30-35 साल पुराना मोल्ड होगा मम्मी का। तो अब देखिए इस तरीके से जो हमने पूड़ी रोल करी थी उसको हमें मोल्ड के ऊपर रखना है, और जो इसके अंदर हमने फिलिंग रेडी करी थी ठंडा करने के बाद वो फिलिंग इसमें फिल करना है। देखिए फिलिंग लगाने के बाद हमें इसके एजेस पे पानी लगा लेना है और इसको फोल्ड करके प्रेस करना है मोल्ड को। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है और फिर मोल्ड को प्रेस करना है अच्छे से, और इसके जो एक्स्ट्रा हमारा डो है उसको निकाल देना है। देखिए हमें इसमें ऑयलिंग करी थी तो ये अच्छे से अब निकल भी जाएगा। देखिए खोलने के बाद ये अच्छे से निकल गया है। आपको लगे अगर एजेस अच्छे से प्रेस नहीं हुए हैं तो आप थोड़ा सा फिंगर से इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर सकते हैं, जिससे फ्राई करने के टाइम पे फिलिंग बाहर ना आए। ये देखिए हमने 4-5 गुजिया रेडी कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल या घी गरम कर लेंगे। मैंने मिक्सचर लिया है, मैंने तेल में थोड़ा सा घी भी ऐड किया है। देखिए तेल अच्छे से गरम हो जाने के बाद हमें गुजिया एक एक करके इसमें डाल के फ्राई करना है। ध्यान रहे कि तेल गरम होने के बाद गुजिया हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं फ्राई करना है। पेशेंस चाहिए इसके लिए, धीरे धीरे फ्राई होगा, और जल्दबाजी करेंगे तो ये अच्छे से क्रिस्पी फ्राई होकर नहीं निकलेंगे। ये देखिए अच्छे से एक तरफ फ्राई होने के बाद हमें इसे पलट के दूसरी तरफ भी फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन हो जाने पर इस तरीके से हमें इसे बाहर निकाल लेना है। बस तैयार हो गई हमारी ये यमी और डिलीशियस गुजिया। तो होली को एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ गुजिया बनाकर, और ज़रूर बताइए कि ये कैसी निक बनी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बॉन्ग पंजाबीज। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।